अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटर पुलाव की रेसिपी, जो हम बनाएंगे हंडी में। हंडी में इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा बनता है। जो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू होती है, उसका ये मटर पुलाव आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए आज हम बनाते हैं हंडी में मटर पुलाव की रेसिपी। तो ये मैंने हंडी रख दी है गर्म करने के लिए। उसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल को हम अच्छा गर्म होने देंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाले। तो गरम मसाले में मैंने लिया है 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 7 से 8 काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, 1 स्टारफुल और 1/2 टीस्पून ज़ीरा। कुछ सेकेंड सौते करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई, और प्याज को हम सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। और ये देखिए, प्याज को मैंने सॉफ्ट होने तक भून लिया है और इसमें हल्का कलर भी आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू और मटर। तो यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है मटर, और 7 से 8 मैंने ले लिए थे छोटे आलू, बेबी पोटैटोस, जिसे मैंने 2 टुकड़ों में टुकड़े कर लिए हैं और इसका छिलका नहीं उतारा है। इसके छिलके में भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो अब हमें इसे 1.5 से 2 मिनट तक भून लेना है। 1.5 से 2 मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर से हम इसे 0.5 से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। आधे से एक मिनट भुनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कटे हुए और 4 हरी मिर्च कटी हुई। मिक्स कर लेंगे। फिर से हम इसे 0.5 मिनट के लिए भून लेंगे। आधा मिनट भुनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 ग्लास जितना चावल, जिसे अच्छे से वॉश कर लिया है। ये मैंने लिया है कोलम राइस, या आप ज़ीरा राइस भी इसे कह सकते हो। मिक्स करेंगे अच्छे से, और 1 मिनट के लिए हम चावलों को भी भून लेंगे, जिससे चावल जो है वो खिले खिले बनेंगे। और 1 मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने लिया था चावल 1 ग्लास, तो मैं दुगना पानी ऐड करूँगी, मतलब 2 ग्लास। ज़ीरा राइस के लिए या कोलम राइस के लिए हम दुगना पानी ऐड करते हैं, तो उसका चावल जो है वो बहुत ही खिले खिले बनते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम उसमें ऐड कर देंगे नमक स्वाद अनुसार, और मिक्स कर लेंगे। या चावलों का, जैसे हमने 1 ग्लास चावल लिए हैं, तो 1 इंच ऊपर तक भी हम पानी को नाप सकते हैं। तब हम अच्छी तरह से चावलों को उबलने देंगे। हाई फ्लेम पर हम इसे पका रहे हैं। हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया भी, जिससे इसका टेस्ट जो है वो और भी अच्छा आएगा। मिक्स कर लेंगे, और हाई फ्लेम पर हम इसे पानी थोड़ा सूखने तक पका लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे और ढककर अब हम इसे पकाएंगे लगभग 7 से 8 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो ये चावल 7 से 8 मिनट तक मैंने पका लिए हैं, और ये अच्छे से देखिए दम हो गए हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे, और ये देखिए कितने खिले खिले हमारे मटर आलू बने हैं। मटर आलू पुलाव बनकर तैयार है। तो एक बार हम इसे इस तरह से मिक्स दे देंगे, तो ये देखिए कितना परफेक्टली ये कुक हो चुका है। और ये मिट्टी की हंडी में हमने बनाया है, तो बहुत टेस्टी भी बना है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।